नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज इसी खास विषय को लेकर हम बात करेंगे। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे आज़ादी से जुड़ी 10 खास रोचक बातें, जिन्हें जानकर, जिन्हें सुनकर आप, सच कहता हूँ, हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस चश्मे नहीं थे, क्योंकि तब वह दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रेस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना, क्योंकि उस दिन वह जल्दी सोने चले गए थे। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले में झंडा फहराया था। वहीं 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती थी। भारत 15 अगस्त को आज़ाद ज़रूर हो गया, लेकिन उस समय उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 15 अगस्त की तारीख को ही दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो देश का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। हालांकि ये देश अलग अलग वर्ष क्रमश 1945, 1961 और 1960 को आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों को भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ₹1 के बराबर था और सोने का भाव ₹88.62 प्रति 10 ग्राम था। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। जब भारत आज़ाद हुआ था, तब उस समय ₹1 के बराबर था, लेकिन धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के जंजाल में कुछ इस तरह ब्रिटेन, अमेरिका, यह सब आगे निकल गए कि भारत थोड़ा सा पीछे रह गया। लेकिन आने वाले समय में भारत जल्द ही सुपर पावर बनकर खड़ा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर वंदे मातरम ना लिखना भूलें। धन्यवाद।